आज के आरोग्य सभा में हमनी के बहुत सारा चीज के सीखे के जाने के मौका मिली। ये जो अभियान बा परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धे गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा देशे ना बल्कि दुनिया के अलग अलग जगह पे चलावल जाता है। हमनी के बड़ी सौभाग्य के विषय बा कि जैसे कृष्ण भगवान के समय में जे आदमी साथे रहल हुई तो वो आदमी के कितना आनंद मिलत हुई कि उनकर कार्यक्रम के साथ है, उनकर लीला के साथ है, आदमी जोरे जोरे घूमत हुई आ आदमी आनंद के अनुभूति प्राप्त करत हुई। आज भगवान कृष्ण के बाद हमनी के जीवंत रूप में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के हमनी के दर्शन करतन जा। आ जैसे भगवान कृष्ण योग के लीला करत रहे वही योग के लीला आज रामदेव बाबा कर रहल बने। आ चारों तरफ योग के धूम मच रहल बा। आ दुनिया के अलग अलग देश में कई प्रकार के कई संप्रदाय के लोग रहता, कई धर्म के मानने वाला लोग रहता। आ सब कोई मानव बा, मानव जाति एक बा, ओकर अंदर में जोन खून बहता उ सबके एक ही तरह के बा। सांस लेवे के प्रक्रिया, भोजन करे के प्रक्रिया, शौच करे के प्रक्रिया, शरीर के जोन फंक्शन बा, काम करे के जोन सिद्धांत बा, उ सब कोई के एक ही बड़ुए। विचार भले अलग अलग हो सकला, पंथ अलग हो सकला, लेकिन शरीर के जोन कार्यक्रम बा, शरीर के जोन गतिविधि बा, वो वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली सबके बराबरे बढ़ुए। तो हमनी की आरोग्य सभा के कार्यक्रम का आयोजन यही चलते रखले बनी जा कि गांव में जे लोग रहता उनका के हमनी के शहर में ना बुला करके हमनी के सीधे उनका द्वार पर जा करके, उनके घर में जा करके, उनके गली में जा करके, खेत खलिहान में जा करके योग आयुर्वेद के बारे में बतावे की कोशिश करते जा। अब भारत के फिर से हमनी के जगावे के प्रयास करते जा। एह में रउआ सभे के जोन भागीदारी हो रहा बा, रउआ सभे जोन श्रद्धा निष्ठा के साथ भाग ले रहा बने, तो एकरा खातिर हम रउआ के एक बार 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 प्रणाम करतनी, अभिनंदन करतनी। आजा हम देखा तनी कि छोटे छोटे बच्चा भी बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ में आ रहा बा। लोग कड़ाके के ठंड चल रहा बा, पेपर में रोज हमनी के सुने के मिल रहा बा कि 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर पर हमनी के भी तापमान चल रहा बा प्रातः वेला में। वो समय में भी हमनी के योग शिविर में भाग लेता नहीं जा। योग प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के कई प्रकार के हमनी के कार्यक्रम के हमनी के सीखता नहीं जा, अपने जीवन में उतारे के प्रयास करता नहीं जा। तो आज रुवा समय के बीच में सबसे पहले हम कुछ प्राणायाम के बारे में बताई, योग के बारे में बताई, ओकरा बाद में हम कुछ जड़ी बूटी रोवे गावे से ले आई बनी, वो जड़ी बूटी के बारे में भी हम बताई। जैसे हम देखता नहीं तुलसी जी बाड़ी एजा, तुलसी जी, एकरा बाद में रुवा बगल में पालक बा, ऊपर में शीशम रुवा देखता नहीं, एकरा बाद अकरकरा बा, एजा रुवा तरह तरह के चीज बा, पीपल बा, नीम बा, गिलोय बा, दूब बा, रुआजा धनिया बा, गेहूं के समय अभी चल रहा बा, गेहूं खेत में भी छोटा छोटा हो रहा बा, जेकरा हमनी के गेहूं के ज्वारा कहिला जा। माता जी के भी बुला लीजिए। हाँ जी माता जी, रुआ सभी भी आ जाए। हेजा बोला बेटा, हेजा बुलाओ ना, हेजा यहाँ पर थोड़ा आगे आ जाए। हाँ माता जी का बैठा लीजिए। तो गेहूं के ज्वारा के बड़ी लाभ बा, जो हमनी के खेत में गेहूं अभी लागल बा, एक एक बीता के भइल बा, ओकर रस यदि बना के पियल जाओ तो कैंसर के समझी के वो बहुत जबरदस्त दवाई बा। जेकर प्लेटलेट घट रहल बा, खून के कमी हो रहल बा, थकान हो रहल बा, शरीर के शक्ति छीण हो रहल बा, ओकरा में गेहूं के ज्वारा के रस बहुत कल्याणकारी बा। वो अभी रुवा डिब्बा में बंद करके भी सैकड़ों रुपये लीटर बिक रहल बा। ऐसे आज हम गेहूं के ज्वारा के रस के बारे में भी हम बताई, आज हम तुलसी के बारे में, शीशम के बारे में बताई, लेकिन ओकरा पहले हमनी के 10-15 मिनट योग के हमनी के अभ्यास कर लिया, ताकि जितने बार बार पुनरावृत्ति करे के, रिपीट करे के, वो हमनी के आदत बन जाए। जैसे कोई के खैनी खाए के आदत हो गई बा, कोई के दारू पिए के आदत बा, कोई के गलत सही काम करे के आदत बा, तो वो आदत एक दिन में नहीं भइल, धीरे धीरे देखत देखत समझत अभ्यास में लावत लावत हमनी के जीवन के तरह का अभिन्न अंग हो गई बा। ओकरा बिना रहल न जाए। वैसे ही योग जो हम बता रहल बानी, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, एकरा बाद सूक्ष्म व्यायाम हाथ के पैर के, एकरा बाद में आज हम मंडूक आसन से लेकर के कई प्रकार के जौन आसन बा ओकरा के बारे में, सूर्य नमस्कार जौन बा, ये बड़ी ही फायदेमंद आसन बड़ी सा, ये कैला से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमनी के आजीवन स्वस्थ रह जा। ये तय बा
कि जे योग करी आहार विहार अपन ठीक रखी उ 100 बरिस कम से कम जीही बिना बीमारी के जीही। उ जियल जियल कोनो नहीं खे कि घुटना में दर्द होइल बा, कैंसर भइल बा, खटिया पर परल मनी, खटिया पर पैखाना करतने, तरह तरह के बीमारी धैले बा जियतनी। उ जियल हमनी खातिर कलंक के रूप में बा। शरीर के मतलब बा कि जब तक शरीर बा तब तक एकरा के निरोग रखी, एकरा में कोनो तरह के व्याधि मत लागे, एकरा में कोनो तरह के सड़न गलन ना पैदा होके। तो आई रुवा सभे के आज हमनी के ओम के उच्चारण के साथ कार्यक्रम के शुरू करवाई जा। तो सब कोई ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। माता जी यहाँ पर आ जाइए ना, यहाँ बैठाएंगे ना, सिखाएंगे बैठ करके। आ जाइए, आ जाओ बेटी यहाँ पर, तुम भी आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आ जाइए 5 मिनट बैठ के फिर चले जाइएगा। आ जाइए 5 मिनट, आ जाइए, आ जाइए। कतना हमनी के मेहनत के बुलावत नहीं जा, देखत नहीं ना। ये कोनो गलत काम हो तो के समाज में कोनो सांप लेके आ जाए आ सांप के डिब्बा खोली बस देखी आदमी के जुटान, सब कोई चाउरो धान में सीधा दी ना, दी सांप देखल तो द ना। ऐसे हमनी के सही चीज के हमनी के जानकारी रखे के प्रयास करे के बाद तो सब कोई ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। घुमाइए बेटा, 3 बार ओम के उच्चारण करे के, 1 बार गायत्री मंत्र बोल करके कार्यक्रम की शुरुआत कर लिए। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम, आप सभी दिव्यात्माओं को इस आरोग्य सभा में आपको मैं डॉक्टर ब्रिज मोहन एक बार पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आपको मैं 4 प्रकार के प्राणायाम के बारे में एक बार पुनः हम उसे याद दिलाते हुए अभ्यास करवाते हुए हम जड़ी बूटियों की तरफ आपको ले चलेंगे। तो प्रतिदिन यदि 4 प्रकार की केवल प्राणायाम किया जाए, भस्त्रिका, बोले मेरे साथ भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाती, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी, भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाती, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी, घुमाते रह जाना बीच बीच में, बोले भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाती, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी। ये चारों तरह का नाम जो है याद हो गया आप लोगों को? बोले भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, 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 भ्रामरी। ये चारों तरह का प्राणायाम एक बार फिर से बोलिए। भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाती, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम यदि कर लेते हैं, मैं आपको एक रामबाण चीज देके जा रहा हूँ। 4 चीज केवल आप कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र होता था, यही सब ब्रह्मास्त्र होता है। तो ये 4 चीजों को यदि आप अपने पास यदि आप रख लेते हैं तो आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी, और जो बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दवा से ना दुआ से ठीक हो रहा है, उसको प्रेम पूर्वक संभालते हुए जिंदगी को पार कर दीजिए। इसलिए कि दुख को भोगना ही पड़ेगा, और दुख यदि हो रहा है अपने कर्मों का तो उसे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, और उससे शरीर को त्यागने से, आत्महत्या करने से, रेल से कटने से, फांसी लगाने से वो आपका कष्ट मिटने वाला नहीं है, पुनः उसको दोबारा भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सभी अब से, आज से ही मीट मछली अंडा दारू शराब खैनी बीड़ी सिगरेट ये सारे कुकर्मों को छोड़ दीजिए, और सत्कर्मों के साथ जीवन की शुरुआत कर दीजिए, फिर देखिए आपके साथ क्या कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं बुरा होने वाला है, आप हमेशा अच्छे रास्ते पर और शुभ के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए हम सभी भस्त्रिका प्राणायाम, हम लोग सभी 2-2 मिनट अभ्यास करेंगे सबका, ताकि याद हो जाए।
भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरते हैं और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। तो आइए 2 मिनट अभ्यास करिए सभी। सबकी आंखें बंद है, सांसों पर ध्यान। हे परमात्मा, सांस अंदर जा रहा है तो सांसों के साथ दुनिया का ओज तेज सुख शांति समृद्धि आरोग्य सब अंदर जा रहा है। सांस जब बाहर निकले तो मेरे भीतर के सारे विकार सारे व्याधियां सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, 5 मिनट यदि प्रतिदिन किया जाए तो दमा की बीमारी, सांस की बीमारी, हाफ की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी, हृदय की बीमारी, ये सारे बीमारियों से हम धीरे धीरे अपने को बचा लेते हैं। केवल भस्त्रिका प्राणायाम करना है 5 मिनट। कितने मिनट करना है? 5 मिनट। कौन सा प्राणायाम करना है 5 मिनट? भस्त्रिका। बहुत बढ़िया, बोले भस्त्रिका। भस्त्रिका। ओ अच्छा, भस्त्रिका में कितने सेकंड तक सांस भरेंगे? 5 मिनट। 5 सेकंड धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, 5 मिनट अभ्यास करना है। बहुत हल्का सूत्र है इसका, 5 सेकंड तक भरिए, 5 सेकंड तक छोड़िए और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। बिना पैसा का, बिना मेहनत का, बिना कोई ताम झाम का, और दमा के बीमारी, सांस के बीमारी, हाँप के बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, कैंसर की बीमारी आप इससे दूर भगा दीजिए। सारे दुनिया के लोग लाभ ले रहे हैं, सारे पैसे वाले लाभ ले रहे हैं इसका। अब स्वामी जी की इच्छा है कि जो गांव में लोग रहते हैं, जो खेती का किसानी का काम करते हैं, जो दिन भर कमाते हैं और सारे कमाई का पैसा दवाई और डॉक्टर के यहाँ दे आते हैं, उनको भी योग सिखाया जाए और वो भी योग सीख करके, प्राणायाम सीख करके, आयुर्वेद के प्रति जागृत होकर के अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। दूसरा चीज कपालभाति का, इसका हम थोड़ा सा 1 मिनट अभ्यास करेंगे डेमो के तौर पर, इसलिए कि ये खाली पेट में किया जाता है तो एक बार देख लेंगे। बहुत अच्छा कर तो बेटा, नाक से झटके से हवा को जोर से फेंको, इसमें लेना नहीं है, ध्यान रखिएगा, छोड़ना है, केवल केवल फेंकना है। जैसे बैलून को हम या कोई स्पंज को दबाते हैं तो वो दब जाता है, छोड़ते हैं तो अपने आप फूल जाता है, उसी प्रकार ये क्रिया है। केवल ध्यान रखना है सांस को क्या करने पर, फेंकने पर अपने आप भर जाता है। ये करना है 5 मिनट से 15 मिनट तक। इसमें गैस का, कब्ज का, कैंसर का, चर्म रोग का, धातु रोग का, थायराइड का, लकवा का, ये बांझपन का, नपुंसकता का, लिकोरिया का, ये रामबाण दवाई है। मासिक धर्म यदि किसी माँ बहन को खराब है, समय से नहीं आता है, तो आप मासिक धर्म जब खत्म होता है उसके 2 दिन के बाद कपालभाति शुरू करवा दीजिए और 1-1.5 महीना करवाइए। अगले महीना से इसका रिजल्ट आपको सामने होगा, देखने को मिल जाएगा। तीसरा है अनुलोम विलोम, इसमें हम हाथ को सीधा करते हैं, दाहिने हाथ को तर्जनी को मोड़ लेते हैं, फिर दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे लगाते हैं, बाएं नाक से सांस भरेंगे। करिए माता जी, दाहिना हाथ लगाइए, पलथी मार के बैठ जाइए बढ़िया से, बायां से भरिए, बायां बंद करके दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से भरिए, ज्यादा उधर रखो, धीरे धीरे सबके तरफ चेहरा पर, आंख बंद कर लीजिए, अभी लोग आंखें बंद, मुंह भी बंद, कोई हंसेगा नहीं, कोई मुस्कुराएगा नहीं, चेहरे पर केवल मुस्कान फूलों की तरह। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको नींद नहीं आती है, मिर्गी की फरका की बीमारी है, हृदय की बीमारी है,
हदकपारी है, सर दर्द की बीमारी माइग्रेन, उसके लिए 100% ये सफल इलाज है अनुलोम विलोम। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अभी कौन सा अभ्यास कर रहे थे हम लोग? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में दाहिने अंगूठे को किस नाक पे रखते हैं? बाएं। दाहिने नाक पर। सांस किससे भरेंगे? दाहिने नाक से। बाएं से। हाँ, एक घर में दो दरवाजा है, एक को बंद कर देंगे तो निकलेंगे कौन? दूसरे से ना। तो दाहिना बंद करेंगे तो किससे भरेंगे? बाएं से। बाएं से। फिर बायां बंद कर किससे छोड़ेंगे? फिर दाहिने से भर के किससे छोड़ेंगे? फिर बायां से भर के किससे छोड़ेंगे? दाएं से। फिर एक बार पूछते हैं, दाहिना अंगूठा किस नाक पर? दाहिने पर। सांस किससे भरेंगे? बाएं से। फिर बायां बंद कर किससे छोड़ेंगे? दाहिने से। फिर किससे भरेंगे? दाहिने से। हाँ, दाहिने से ही। दाहिने से भरेंगे, फिर दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। ठीक, जैसे जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर भर लेना है, फिर इससे भी। हाँ, दूसरे से छोड़ना विपरीत दिशाओं से। अब इसका देखिए मैकेनिज्म क्या है। बायां नाक से जब सांस लेते छोड़ते हैं तो ये दिमाग दो हिस्सों में होता है, बायां और दायां। तो बायां नाक से जब सांस लेते छोड़ते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा हमारा स्वस्थ हो जाता है, और जब दाहिना से लेते छोड़ते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा स्वस्थ होने लगता है। अब इस जब दिमाग स्वस्थ हो जाएगा तो पूरे दिमाग ही शरीर के सभी अंगों का कंट्रोल करता है। जिसका दिमाग खराब हो जाए तो ना उसको बढ़िया से भोजन पचेगा, ना गाड़ी चला पाएगा, ना कुछ भी नहीं कर पाएगा बढ़िया से। तो देवा का काम है। हाँ, तो दिमाग ही इसका समझिए कि हेड कंट्रोलर है। तो दिमाग को ठीक रखने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। जो बच्चे बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं, याद नहीं होता है, पढ़ाई की इच्छा नहीं होती है, बार बार शांत रखने पर भी हल्ला गुल्ला करते हैं, उनको आप अनुलोम विलोम करवाइए और 15-20 दिन के बाद देखिएगा वो बच्चा एकदम शांत हो जाएगा। खाली पेट में था। खाने के खाली पेट में करना है, और भोजन के आधा घंटा के बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटा के बाद भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, बाकी प्राणायाम खाली पेट में करना है। सभी आसन भी खाली पेट में ही करना है, ठीक है? बीमारी भी समझ गया आप लोग। मैं पहले अभ्यास से बता रहा हूँ, दमा का बीमारी, हाँफ का बीमारी, चर्म रोग का बीमारी, कैंसर का बीमारी, फिर कपाल भाती किए तो गैस का, कब्ज का, शुगर का, उसके बांझपन का, नपुंसकता का, मासिक धर्म का, लिकोरिया का, या किसी को शरीर में गांठ हो जाता है गिल्टी, देखे है ना, बहुत सारा गिल्टी हो जाता है, सैकड़ों, जहाँ टूएगा वहाँ गिल्टी नजर आएगा। उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसका ऑपरेशन भी नहीं सफल हो पाता है, हजारों गिल्टी है, कहाँ ऑपरेशन करिएगा। तो उसके लिए ये सफल इलाज है केवल कपाल भाती। कौन सा? कपाल भाती। हाँ, कपाल भाती करेंगे तो गिल्टी भी गल जाता है, खत्म हो जाता है, समझ गए? फिर तीसरा हमने बताया अनुलोम भ्रामरी प्राणायाम। अब हम लोग तीन चीज सीख गए ना, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। चौथा हमें सीखना है भ्रामरी। भ्रामरी भौरे से लिया गया, किससे लिया गया है? घुमाते घुराना। भौरा देखे आप लोग? काला काला सा। हाँ हाँ, काला काला सा भौरा गुनगुनाता है, कैसे? फूलों पर देखे वो कभी इसमें इतना तरंग उत्पन्न होता है कि व्यक्ति को लेटा दीजिए, ललाट पर एक चावल रख दीजिए और ओम का उच्चारण करवाई गुंजन के साथ, तो वो चावल क्या होगा? हाँ, थर थर हिलेगा, कांपेगा, तब समझिए कि आपके अंदर कंपन हो रहा है भ्रामरी का, ठीक है? तो इसका हम लोग करेंगे 10 बार, इसका लाभ बहुत लाभकारी, इसका लाभ का कोई वर्णन नहीं, अवर्णनीय है। केवल ओम का उच्चारण, यही चारों प्राणायाम बहुत सारे करते हैं, हिमालय में बैठ करके पूरा जिंदगी व्यतीत कर देते हैं बड़े बड़े महारथी योगी लोग, केवल ओम का उच्चारण। स्वामी जी ने कहा केवल हम गुफाओं में रह करके अपने को तो तृप्त कर सकते हैं, अपने को तो महान बना सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा आम जनता का क्या लाभ होगा? तो स्वामी जी ने हिमालय की कंदराओं से निकल करके, गंगोत्री यमुनोत्री की गुफाओं से निकल करके स्वामी जी ने समाज के लिए काम करना शुरू किया, वो भी मुख्य धारा से जो जुड़ा हुआ गतिविधि है उसके साथ करके। तो आइए दोनों अंगूठे को कान में लगाइए, कान के ढक्कन पर, तर्जनी को ललाट के मध्य में, बाकी तीनों उंगली को मोड़ के आंखों पर, और मुंह बंद करिए, नाक से सांस भरिए
और 10 बार धीरे धीरे ओम का उच्चारण करिएगा। आप हाथ को ऊपर करिए और आपस में रगड़िए हथेली को और इस हथेली को अपने आंखों पर लगाइए ऐसे ललाट पर शरीर को एक बार स्पर्श करिए और धीरे धीरे हाथ जुड़ करके अपने आंखों को धीरे धीरे खोलिए।